Minecraft SMP is a curse. And why I'm saying this? To know this, we have to go back a few years. हर content की तरह SMP वाला content भी foreign से ही आया था। अगर तुम YouTube पर search करते हो most oldest Minecraft YouTuber in India, तो आप लोगों को ये channel देखने को मिलेगा। Akan22 ने ही Minecraft को सबसे पहले इंडिया में खेला था as a YouTuber। और just for fun इन्होंने अपनी एक SMP भी बनाई थी। जल्दी करो ना, फिर recording बड़ा हो जाएगा। Hello guys, मेरा नाम रतन है और आज हम सब खेल रहे हैं माइनपुर में। हम सब माइनपुर के निवासी हैं। बट पॉपुलरिटी कम होने की वजह से इनके एसएमपी उतनी नहीं चली जितनी कि आज दूसरी एसएमपी चल रही हैं। अभी तक बंदों को ये भी नहीं पता था कि माइनक्राफ्ट के अंदर कोई एसएमपी भी होता है कुछ। दिन चालू होती है फ्लीट एसएमपी, जिस पर लगभग अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। ओके, विलेज भी दिख गई है, लेट्स गो। जो हमारा फ्लीट एसएमपी ना बहुत ज्यादा पुराना वर्ल्ड है, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला 1.5 साल पुराना। तो उस टाइम पे हम लोग जो लास्ट, मेरे को याद है जब लास्ट टाइम मैंने उस पे खेला था, तो हम लोग उस टाइम पे 1.16.5 में खेलते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग माइनक्राफ्ट के अंदर एसएमपी नहीं जानते थे। देन शुरुआत होती है हीरोब्रायन एसएमपी की, जिसे सारे पॉपुलर क्रिएटर्स ज्वाइन करते हैं और गेमर फ्लीट भी अपनी फ्लीट एसएमपी को छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं हीरोब्रायन एसएमपी में। वे लोग उसमें अपने नॉर्मली बिल्ड वगैरह बनाते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं, बस अपलोड कर देते हैं। देखो जो लाइव मैच आता हूं, सबसे पहले तो शांति यहाँ पर, एक तो शांति का माहौल बिल्कुल नहीं है, कोई छोटी मोटी गड़बड़ करता है उसको मारना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक प्रिजन बने और वो इतना तगड़ा प्रिजन हो कि भाई जिसने कुछ गड़बड़ करी वो सीधा जेल में जाए। ये प्रिजन की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर कोई भी किसी को बेमतलब ऐसे अटैक करता है, उसे मारता है, उसको तुरंत प्रिजन भेजा जाएगा। हीरोब्रायन एसएमपी का गेम प्ले एकदम नॉर्मल होता था, ऐसा लग रहा था कि कोई गेम प्ले है ना कि एनीमे। देन जब हीरोब्रायन एसएमपी बंद होने की कगार पे आए, तो वहीं पर चालू हो जाते फ्लीट एसएमपी और हिमलैंड्स। अब एनटी वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्लीट एसएमपी में आया था, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नहीं जानते थे। लेकिन जब हिमलैंड्स के अंदर होगा लाला आता है, तो वहीं से सारा माइनक्राफ्ट की एसएमपी बदल जाती है। इस सर्वर पे कौन कौन बंदे अभी? No ways! ये क्या मजाक है? एक सेकंड रुको गाइस, इस वक्त सर्वर के ऊपर देखो यहाँ पे SGO, ड्रीम बॉय एंड मिस्टर ये क्या किया इसने अभी अभी? होगा लाला के आने से पहले लोगों को यही लग रहा था कि माइनक्राफ्ट में जो हिमलैंड्स या फ्लीट्स हैं भी सारे नॉन स्क्रिप्टेड है। बंदे एक दूसरे को मारते हैं, उसे बेटरे करते हैं, ये 3-5 करते हैं अपना। लेकिन जब सारे एसएमपी के अंदर एंटिटीज आने लगे, तो सबका यही रिएक्शन था, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। इस टाइम पर कुछ एसएमपी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जैसे कि नाइटमेयर एसएमपी, हिमलैंड्स, फ्लीट एसएमपी या फिर टेडी एसएमपी। अगर मैं किसी को भूल गया हूं, तो कमेंट में बता देना। इसके बाद से लोगों को पता चल गया था कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो एसएमपी होती है सारी स्क्रिप्टेड होती है। स्क्रिप्टेड और क्रिएटिव अब्यूज। क्या लापता एसएमपी स्क्रिप्टेड है? तो क्या लापता एसएमपी स्क्रिप्टेड है? क्या लापता एसएमपी स्क्रिप्टेड है? लेकिन फिर भी ये लोगों को अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया था। क्योंकि अगर स्क्रिप्टेड ना किया जाता, तो ये 3-5 होता, लड़ाई झगड़ा, बस और कुछ नहीं। इसीलिए स्क्रिप्टेड करना भी जरूरी है। और इससे ये फायदा हुआ कि हर एपिसोड के अंदर एक नई स्टोरी थी, जिसने ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। बट यहीं से बुराई शुरू होती है, क्योंकि जब ये सारे लोग अपनी स्टोरी बेस्ड एसएमपी बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लाइफ स्टाइल का प्लगइन खोज रहे थे ताकि उसे सर्वर में लगाया जाए और कंटेंट मिल किया जाए। और ऑब्वियसली हर कंटेंट की तरह लाइफ स्टाइल कंटेंट भी फॉरेन से ही आया है। लाइफ स्टाइल एसएमपी के नाम पर 3 एसएमपी ज्यादा पॉपुलर है, लॉयल एसएमपी, लापता एसएमपी और एलाइट एसएमपी। लेकिन लापता एसएमपी कुछ ज्यादा एफोर्ट ले रही है। हमें यहाँ पर मैं एक बात बताने वाला हूँ, उसे बताने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ टेक्नो गेमर का। यू नो कि टेक्नो गेमर की GT5 स्टोरी बेस्ड सीरीज है, लेकिन उस पर हिडन डिटेल थी और ये सारे लोग हैं ही नहीं बनाने वाले, या फिर बना रहे होंगे तो उन्हें कोई नहीं जानता। और जो एडिटर्स बनाने वाले थे, 3-4 थे जो कि बढ़िया वाले एडिटर्स बनाते थे, ना कि दो बंदों में वर्सेस कराते थे। लेकिन आज के टाइम पर लापता एसएमपी सर्च करोगे, तो वहाँ पर पहले तुम्हें एडिट्स देखने को मिलेंगे। सिर्पा के चैनल पर इस टाइम पर सिर्फ 53 वीडियोस है, लेकिन हजारों में एडिट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल या हेड स्टाइल वाला कंटेंट बनाते हैं, उनकी पूरी वीडियो एडिट्स की तरह होती है। कितने अपने ट्रैप्स ट्राई किए मेरे पे लैपिस भाई, और फिर भी ये फालतू ये करना बचा कि आपको समझ नहीं ना कि नहीं कर सकते आप मेरे को ट्रैप, नहीं है आपके बस की वो बात। लैपिस भाई अब समझोगे आप? आप नहीं समझोगे PSD भाई। पल भर में सिनेमैटिक चलेगा, एनिमेशन चलेगा, यही 3-5 होगा। लेकिन वो चीज बुरी भी नहीं है, ऑडियंस के लिए सही ही है। लेकिन इसका निगेटिव पॉइंट ये है कि गेम को एंजॉय करने से ज्यादा टाइम एडिट करने में लग जाता है। ये जो तुम 5-6 मिनट की वीडियो देख रहे हो, इसे 7-8 घंटे में एडिट किया गया है, वो भी काइन मास्टर में। अब तुम मानो चाहे ना मानो, एग्जांपल के लिए मैं अपनी ही बात बता दूं, तो मैंने रिकॉर्ड किया है गेम प्ले हार्डकोर वाला। गेम प्ले की फुटेज है सिर्फ 3 घंटे की, लेकिन उसे एडिट कर रहा हूं मैं 2 वीक से। जब इन सारी वीडियो से छुटकारा मिलता है, तो 2-3 घंटे उसे रोज एडिट कर लेता हूं थोड़ा बहुत, और अभी भी पूरी वीडियो एडिट नहीं हुई है। अब यहां पर बताओ, गेम को खेला मैंने 1 दिन और एडिट कर रहा हूं कितने दिनों से। इन सारे कंटेंट के अंदर ऑडियंस को तो अच्छी वीडियोस देखने को मिल जाती है, बट जो क्रिएटर्स उनका बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ज्यादातर टाइम स्क्रीन पर देना पड़ता है और ज्यादातर क्रिएटर्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ इसे भी मैनेज करना है, जिससे लोग पढ़ाई और यूट्यूब में ही लगे रहते हैं और सामाजिक नहीं बन पाते। अगर तुम किसी क्रिएटर से ये पूछोगे कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, भूपेंद्र जोगी, तो ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट ही होंगे, क्योंकि उनका टाइम तो एडिट करने में चला जाता है। हिमलैंड्स जो कि अपनी स्टोरी के लिए फेमस थी, और डार्क हीरो सीरीज अपनी बढ़िया वाली एडिट्स के लिए, क्योंकि प्रोबाज उसकी एडिटिंग नेक्स्ट लेवल ले जाता था, और इंट्रो आउट्रो में ज्यादातर एनिमेशन ही होता था। कुछ करना, अरे मैं मार नहीं पा रहा इसको।
बट वही सेम कॉन्सेप्ट हिमलेट्स में भी धीरे धीरे आ रहा है। अब के एपिसोड के अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर तुम लोग को एनिमेशन देखने को जरूर मिलेगा, जैसे कि हिमलेट्स का एपिसोड और लेट भी आता है, लेकिन फिर भी इन सारे सीरीज को कोई बीट नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं लापता एसएमपी या लॉयल एसएमपी एक क्रिंज है, क्योंकि कोई भी वीडियो देखने से ही पता चल रहा है कि वो स्क्रिप्टेड है। और इतनी भयंकर वीडियो बनाने के लिए क्रिएटिव में जाना ही पड़ेगा, और कितनी बार ये लोग पकड़े भी जा चुके हैं, जैसे कि एक बार निज गेमर लाइव स्ट्रीम में पकड़ा गया था और नॉट रेसी भी एक बार पकड़ा गया था। ये लोग ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा मूवमेंट ना छूट जाए जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि स्क्रिप्टेड या स्टोरी बेस्ड है। देखो स्क्रिप्टेड और स्टोरी बेस्ड में बहुत फर्क है। स्क्रिप्टेड में ये होता है कि अगर किसी को वीडियो बनाना है और दूसरे बंदे को ये कहता है कि तुमको मरना है तो मरना पड़ेगा उसे। अब जिसे मरना अगर प्रो है तो फिर भी वो नौकरी करेगा, लेकिन स्टोरी बेस्ड में पूरी स्टोरी तुम अपने आप सोचोगे, उसके बाद दूसरों के बंदे को जाकर मारोगे। जब इन लोगों की वीडियो डन हो जाती है तो ये लोग भेजते अपने डिस्कॉर्ड में सारे लोगों से चेकिंग कराने के लिए। अगर किसी वीडियो में ये पता चल रहा है कि इसमें क्रिएटिव यूज हुआ है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और एकदम साफ सुथरी वीडियो को YouTube पर छोड़ दिया जाता है। लाइफ स्टाइल के अलावा जो भी लोग माइनक्राफ्ट को पहले खेलते थे या फिर एसएमबी में खेलते थे, उनमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी पहले, क्योंकि उन सारे एसएमबी के अंदर लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम था, और अगर होती भी थी सिर्फ इन गेम थी ना कि रियल लाइफ में। बट यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल वाले एसएमबी है, यहाँ पर सिर्फ लड़ाई हो रही है, जैसे कि एटेरर की कंट्रोवर्सी ले लो या फिर टेडी गेमिंग को ही ले लो, जिन्होंने बल्कि स्टार के साथ लॉयल एसएमबी की शुरुआत करी थी, लेकिन उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और टेडी एसएमबी निकल जाते हैं लॉयल एसएमबी से, और किसी वजह से लापता एसएमबी के अंदर से भी निकाल दिए जाते हैं। और लापता एसएमबी के अंदर बैन का क्या रीजन बताया जाता है कि कैम एक्टिव थे। जो क्रिएटर सही वीडियोस बनाते थे वे भी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं अब, जैसे कि बल्कि स्टार को ही ले लो, ये पहले हार्डकोर की वीडियोस अपलोड करता था लेकिन अब ये 3-5 आता है, और लॉयल एसएमबी को बल्कि और टेडी ने ही शुरू की थी। पहले ये सारे एसएमबी वाले एक चीज में आ गए हैं कि उनका कोई दुश्मन ना रहे जो कि इन्हें एक्सपोज करे। जैसे कि जब लापता एसएमबी का सीजन 5 का एप्लीकेशन ओपन हुआ तो बहुत लोगों ने एप्लीकेशन बनाया था, बट उसमें ज्वाइन कौन हुआ, फाइनॉक्स गेमिंग, जिसके चैनल पर एक भी कंटेंट उस तरह का नहीं था, बट फाइनॉक्स ने ऑडियंस का ट्रस्ट जीत रखा था चाहे 10-20 हज़ार क्यों ना हो। और फाइनॉक्स ज्यादातर रोस्ट के लिए जाना जाता था, और इसने लापता एसएमबी या लाइफस्टाइल एसएमबी को बहुत बार रोस्ट किया है, और इसके बाद में पॉइंट भी होता था। डेढ़ सौ लापता वालों ने भी देखा कि इसने भी एप्लीकेशन बना रखा है, ये बंदा कंटेंट भी अच्छा बनाता है, और अगर ये सिम्बी में आ गया तो उनका एक रोस्टर कम हो जाएगा, जिससे कि इन्होंने अपने दुश्मन को ही दोस्त बना लिया, क्योंकि फाइनॉक्स तो पहले इन सबके खिलाफ था। लापता एसएमपी स्क्रिप्टेड नहीं है, मैट्रिक्स वाला जो इन लोगों ने एडिशन किया था, ये लोग को पता नहीं था कि मैट्रिक्स कौन है। तो सिर्फ एक चीज बताओ, लापता एसएमपी की आईपी पाना किसी को आसान बात है? वेल इस वीडियो की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं चला नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू।